दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकासा एयर का क्या होगा, इसको लेकर बिग बुल के निधन के बाद से लोगों के मन में सवाल आने शुरू हो गए थे। लेकिन अकासा की उड़ान को भला कौन ही धीमी कर सकता है। राकेश झुनझुनवाला ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका सपना तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा है। अकासा अपनी उड़ानों को और बढ़ा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि एयरलाइन सितंबर के आखिर तक करीब 150 वीकली फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगी। चलिए एयरलाइन के परिचालन और आने वाले दिनों में उनके प्लान को लेकर विस्तार में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तर। दरअसल अकासा एयरलाइन ने 7 अगस्त को परिचालन शुरू किया था और अब 3 रूट्स मुंबई अहमदाबाद, बेंगलुरु कोची और बेंगलुरु मुंबई मार्ग पर उड़ान सेवा दे रही है। फिलहाल एयरलाइन इस रूट पर रोजाना 2-2 उड़ानों का परिचालन करेगी। इसके साथ ही कंपनी ने बताया कि वे बाद में बेंगलुरु मुंबई मार्ग पर परिचालन का विस्तार करेगी। इसके तहत 30 अगस्त 2022 से एक अतिरिक्त दैनिक उड़ान और दूसरी उड़ान 19 सितंबर 2022 से शुरू की जाएगी। एयरलाइन 10 सितंबर से बेंगलुरु को चेन्नई से जोड़ने वाले मार्ग पर भी उड़ान सेवा शुरू करेगी। ऐसे अगर जोड़े तो अकासा एयरलाइन की सितंबर आखिर तक साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 150 पार कराने की योजना है। कंपनी अब तक 5 शहरों मुंबई, अहमदाबाद, कोची, बेंगलुरु और चेन्नई के 6 मार्गों पर उड़ानों की घोषणा कर चुकी है। मौजूदा समय में एयरलाइन के पास 3 विमान है। इसकी हर 2 हफ्ते में एक नए विमान जोड़ने की योजना है और मार्च 2023 के अंत तक इसके बेड़े में 18 विमान होंगे और अगले 4 सालों में एयरलाइन 54 अतिरिक्त विमान जोड़ेगी, जिससे उसके बेड़े का कुल आकार 72 हो जाएगा। अकासा एयर के प्रमुख निदेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद एयरलाइन के भविष्य को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिसको विराम लगाते हुए सीईओ विनय दुबे ने 17 अगस्त को कहा था कि नई एयरलाइन कंपनी और विमानों के ऑर्डर देने को लेकर वित्तीय रूप से पर्याप्त मजबूत है। बता दें, देश के दिग्गज निवेशक बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त को 62 साल की उम्र में निधन हो गया। यह दुखद खबर ऐसे वक्त में आई जब कुछ ही दिन पहले राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकासा एयर ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। दरअसल कोविड-19 के दौरान जब एयरलाइन सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी, तब राकेश झुनझुनवाला ने बड़ा दाव खेलते हुए अकासा एयर को लाने का ऐलान किया। हालांकि इस ऐलान के बाद सभी लोग चौंक गए, पर झुनझुनवाला का सपना देश के लोगों को सस्ती दरों पर हवाई सफर कराने का था और उन्होंने अपना इरादा कायम रखा। अकासा एयरलाइन ने अपनी पहली उड़ान 7 अगस्त को भरी, जो मुंबई अहमदाबाद रूट के लिए थी, और आने वाले दिनों में कंपनी का प्लान देश के अलग अलग रूट पर कई उड़ाने शुरू करने का है। बता दें, अकासा एयरलाइन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला के पास थी। इस लो कॉस्ट एयरलाइन के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझे तो राकेश झुनझुनवाला के पास अकासा एयरलाइन के करीब 40% शेयर थे। वहीं उनकी पत्नी रेखा और उनकी हिस्सेदारी को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 45.97% तक पहुंच जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बड़े हिस्से के मालिक हैं विनय दुबे, जिनके पास 16% का शेयर है। इसके अलावा बची हुई हिस्सेदारी में संजय दुबे, नीरज दुबे, कार्तिक वर्मा और माधव भटकुली का नाम आता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।